बलात्कार और हत्या के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश में आक्रोश है, सभी आरोपियों को जान से मारने की बात करते हैं। जब इंदौर के महू में बीते दिनों 4 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पहले बलात्कार और फिर हत्या, इतना संगीन अपराध करने के बाद भी आरोपी को सालों सजा नहीं मिल पाती है और पीड़िता और पीड़िता का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता है। हैदराबाद में जब पुलिस ने हाल ही में एनकाउंटर में चारों आरोपियों को मार दिया तो पूरे देश ने खुशियां मनाई। अब लोगों में ऐसे अपराधियों के प्रति गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंदौर के महू में बीते दिनों 4 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज जब पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची तो वहां मौजूद वकीलों ने अपना आपा खो दिया और अपने आप पर काबू नहीं कर पाए। उनका गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी की जमकर धुनाई कर डाली। इस दौरान वकीलों में बेहद आक्रोश था। आपको बता दें कि महू शहर में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और उसे मारकर एक खंडर में फेंक दिया गया था, जिसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने अंकित नाम के एक आरोपी को पकड़ लिया। इसी तारतम्य में पुलिस ने अंकित को कोर्ट में पेश किया और इस दौरान आरोपी को देखते ही वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने आरोपी अंकित की जमकर पिटाई लगा दी। इस दौरान वकीलों द्वारा भी आरोपी को मौत की सजा देने की बात बार बार गुस्से में कही जा रही थी। बता दें कि अंकित की 3 दिन की रिमांड के बाद आज महू कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी अंकित की पिटाई होती देख वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को बचाकर तुरंत गाड़ी में बिठाकर जेल भेज दिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।